दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और डीमन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो पहले आप जाके उन्हें देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बाबा अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह इनसे छूट जाएं, लेकिन ये लोग उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे किसी तरफ देखने लगते हैं और ये इसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये राक्षस बाबा को देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। इसके हाथ में एक काफी खतरनाक हथियार भी है। थोड़ी देर हंसने के बाद ये बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और एक जोरदार छलांग मारकर अपने कुल्हाड़ी को बाबा की तरफ किए हुए नीचे आने लगता है और फिर वो बाबा के सर में अपनी कुल्हाड़ी को घुसा देता है और बाबा का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद वो राक्षस खड़ा हो जाता है और फिर ये सारे के सारे राक्षस बाबा को छोड़ देते हैं और बाबा वहीं जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। और फिर ये सारे राक्षस बाबा को ऐसी हालत में देखकर हंस रहे होते हैं और इन लोगों को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। और ये सारा मंजर गुल्ली बुल्ली सावन और कल्लू मामा भी देख रहे होते हैं। और तभी ये सारे के सारे राक्षस अचानक से पीछे मुड़ते हैं और गुल्ली बुल्ली सावन और कल्लू मामा की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर बुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और तभी ये सारे के सारे राक्षस गुल्ली बुल्ली सावन और कल्लू मामा की जीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग तेजी से जीप की तरफ आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि बुल्ली अब बचेगा नहीं और बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी बुल्ली गाड़ी को पीछे लेने लगता है, शायद अब ये कुछ बड़ा करने वाला है। बुल्ली गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाकर दोबारा से स्टार्ट करता है और आगे की तरफ ले जाते हुए इन लोगों को ठोक डालता है। गाड़ी से ठुकने के बाद ये सारे के सारे राक्षस का काम तमाम हो जाता है। अब ये लोग जल्दी उठने नहीं वाले, लेकिन बुल्ली से एक गलती हो गई होती है। बुल्ली से एक बड़ा वाला राक्षस छूट गया होता है और वो इन लोगों की गाड़ी के पास आता है और फिर वो इन लोगों की गाड़ी पे एक जोरदार हमला करता है, वो भी एकदम गुस्से से, जिसकी वजह से इन लोगों की जीप काफ़ी दूर जाकर पलट जाती है और ये सारे के सारे यहीं पर ढेर हो जाते हैं। बुल्ली की हालत काफ़ी ख़राब होती है और गुल्ली सावन और कल्लू मामा भी बेहोश पड़े होते हैं। इन लोगों को काफ़ी तेज़ी से चोट लगी है, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद वो दानव जीप के आगे आने लगता है, शायद अभी ये अपने दूसरे साथी से मिलने जा रहा है। इसके बाद वो अपने दूसरे साथी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसका दूसरा साथी इससे बोलता है कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, बॉस ये देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन हमारे इतने साथी मारे गए, अब इसका भी हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वो बोलता है हाँ जरूर, लेकिन पहले उन्हें आने तो दो। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली सावन और कल्लू मामा का, और क्या बाबा आप दोबारा जिंदा नहीं होंगे या फिर कुछ और होगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।